मैंने इसके एग्जांपल्स आप लोगों के लिए एग्जांपल्स बताए थे कि किस प्रकार से फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कि प्रोग्रेसिव सेंटेंस को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। तो इसका जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आई शैड बी सीइंग हर टुमारो, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है शैड बी का प्रयोग किया और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का मैंने प्रयोग किया है हर टुमारो। तो इस प्रकार से फ्यूचर इम्परफेक्ट या फिर प्रोग्रेसिव सेंटेंस को जो है हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा जो है कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब उसके पश्चात हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है, देखिए आपको मैंने जो है रूल्स दिखा दिया है। सब्जेक्ट प्लस सैड है, ऑब्लिक करके विल है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है हम लोग जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म को का यूज करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज शैल है और विल है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ही विल है फिनिश, ये फिनिश का थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है। तो ही विल है फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। सेकेंड एग्जांपल इज यू विल हैव सीन दिस मैन। तो इस प्रकार से हम जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं और ये जो हैव है इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है और जो वर्ब है हमारा वर्ब जो है हमने कन्वर्ट किया है पास्ट पार्टिसिपल में जिसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे लास्ट आइए, लास्ट यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस है। तो परफेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, है ना, और कॉन्टिन्यूअस है यानी कि वर्ब के साथ जो है हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका जो है रूल्स दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल है बी। देखिए आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब के साथ जो है आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए आई शैल हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल। सेकंड एग्जांपल इज ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं टेंस को। मैंने आपसे ये चीज बता दिया था कि जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं रूल्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है उसके कुछ रूल्स परिवर्तित होते हुए चले जाते हैं। जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको बताया था कि आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं लेकिन जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो बिल्कुल निश्चित हो तो आई के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है लेकिन वह निश्चित हो वह काम करना हो परफेक्ट हो तो हम लोग ही के साथ जो है शैल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना हम प्रैक्टिस जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही जो है हम लोग जो है किसी भी टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो या फिर जो है लैंग्वेज के रूप में इसका यूज करना हो किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं बोलने की किस प्रकार से प्रैक्टिस हो सकती है ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितना जो है उसका जो है अभ्यास करें कितनी प्रैक्टिस करें अभ्यास के अकॉर्डिंग जो है हमारी सारी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है बहुत सी समस्याएं आती हैं तो हम जब कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे कुछ उदाहरण को करेंगे या हम अभ्यास करेंगे तो नियमतः हमें काफ़ी जो हमारी कठिनाइयाँ होती हैं उसका निराकरण जो है हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए गिव द मिसिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन दिस टेबल। इस टेबल को मैंने आप लोगों को एक बार बताया था प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें वर्ड जो है ये वर्ब्स जो है वो क्या है मिसिंग है आप इसको फिल कर लीजिएगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस प्रकार से जो है हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं वर्ब को क्योंकि ये आपको आना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेट करते समय
ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो है कहीं कहीं पर पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, कहीं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो ये जानना जरूरी है, ये हमारे लिए आवश्यक है। जब तक हम इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त कर लेंगे, हमारे टेंस जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, और ये ध्यान रखिएगा कि अगली बार